हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आलिन बन 2.0। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस। तो सबसे पहला आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आज हम समझेंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इसके बारे में हम बताएंगे फ्रेंड्स, फुल एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ऑल थिंग्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ 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 इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप देख ही सकते हैं पहचान। सबसे पहले हम यहाँ पहचान लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पहचान में लिखना है कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी का फ्रेंड्स कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में तीन वर्ड्स आते हों, ता है, ती है और ते हैं, ये तीन वर्ड्स आते हों अगर फ्रेंड्स, तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको, ता है, ती है, ते है। ठीक है, आपको मेरे साथ बोलते भी चलना है, ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मूला और एग्जांपल की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ही सी सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ही सी और एट हो या फिर किसी का नाम हो, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ याद रखना है कि जो मेन वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस आएगी, और इसके जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, आई है, वी है, दे हैं, इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये सिर्फ किस किस के लिए है? सिंपल के लिए, याद रखना आपको, सिंपल के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप नोट भी करते जाएं फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले सिंपल का फॉर्मूला ज़रा बताता हूँ। ये फ्रेंड्स आपको बहुत, इसको आप लीव नहीं करना है, ये ज़रूर नोट करना है। सिंपल टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब लगानी है, और उसमें सब्जेक्ट देखकर एस या ई एस ऐड कर देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ये फ्रेंड्स सिंपल का फॉर्मूला, आप नोट कर लेना। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। वह मैच खेलता है, तो ये इस प्रकार से लास्ट पे आपको दिख गया ता है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सी बात। तो वह की क्या होती है? ही होती है। अगर आपको फ्रेंड्स वह सिंगुलर, प्लूरल या मेन वर्ब में एस आई एस, ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मेरा एक अलग सा वीडियो है, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो ही मेन वर्ब लगाना है, एस खेलना की क्या होती है? प्ले होती है। अब आपको मैंने बताया यहाँ पर ही सी हो तो इसमें एस आई एस लगेगी, तो आपको यहाँ एस जोड़ देनी है, और उसके बाद क्या खेलता है? मैच खेलता है, तो मैच लिख देना। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। तुम फिल्म देखते हो, तो तुम की क्या हो गई फ्रेंड्स? यू हो गई, देखते हो यानी कि सी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एस आई एस नहीं ऐड करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसका रीज़न, क्योंकि ये जो यू है वो इस कैटेगरी में आता है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में, जिसको हम प्लूरल फॉर्म बोल देते हैं। इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर, और इनको क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं, है ना। तो प्लूरल में एस आई एस नहीं आती, सिंगुलर में एस आई एस आती है। ओके, तो यू सी और आगे क्या? फिल। तो बस हो गया, डन। इस प्रकार से आपको ये सिंपल का, ये जरूर फ्रेंड्स नोट करना है आपको यहाँ से, यहाँ वैसे पूरा ही नोट करना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जरूर है, इम्पोर्टेंट है, और आपको ये लर्न करना है। इसी के बेस पे आगे की चीज़ पढ़ेंगे हम, है ना। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब में ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब फ्रेंड्स हम आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इसको इरेज करके निगेटिव की चीज़ बताता हूँ, यानी कि जिस वाक्य में नहीं आ जाए शब्द उसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ आपको नेगेटिव डाल लेना है, नेगेटिव डाल लेंगे, यानी कि जिसमें नहीं शब्द आ जाता है,
तो उसका स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ ये चीज़ जो हमने मैंने बताई है ये सिंपल के लिए थी। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा समझ लें, ये जो है मेन वर्ब में एस आई एस, लेकिन अगर जब नेगेटिव की बात हो यानी कि नहीं वाली, तो ये जो सब्जेक्ट है ही सी एट या किसी का नाम, तो इनमें फ्रेंड्स क्या डज नॉट का एज यूज़ होगा, किसका डज नॉट का। और ये वाले हैं जो प्लूरल यू वी दे आई, इनमें डू नॉट का यूज़ होगा। काफ़ी इजी है। तो स्ट्रक्चर में क्या, फॉर्मूले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या डू नॉट या फिर डज नॉट, है ना। उसके बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस ए एस का कोई लफड़ा नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना। जहाँ नॉट लग जाए वहाँ एस ए एस आने ही नहीं है, ना सिंगुलर के साथ ना प्लूरल के साथ, किसी के साथ भी नहीं। और उसके बाद अदर वर्ड, हाँ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। सो यू विल सी द एग्जाम्पल हियर, तुम कपड़े नहीं खरीदते हो या धोते हो, कुछ भी कर लेना है ना, खरीदते हो। तो इसमें फ्रेंड्स नहीं आ गया, यानी कि ये निगेटिव वाला हो गया है, निगेटिव वाला। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट ऐड करना है, तो यू ऐड कर लिया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू नॉट या डज नॉट में से एक। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ डू नॉट लगना है डज नॉट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब्जेक्ट देखो, इसी वाला सब्जेक्ट है तो डज नॉट ऐड कर दो, यू वी दे आई वाला सब्जेक्ट है तो डू नॉट ऐड कर दो। ऐड देख लो यहाँ यू यू कौन सा वाला, डू नॉट आएगा, है ना, डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, खरीदना की क्या होती है वी यू बाई। उसके बाद क्या खरीदना है, कपड़े और क्लॉथ लगा दो, यानी कि ऑब्जेक्ट, बस बन गया। काफ़ी ईजी होता है फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपका ये सेकंड चीज़ हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव की साइड। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना फ्रेंड्स, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल गिव योर आंसर कन्फर्मली, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं आगे, तो आगे जो फ्रेंड्स है हमारा वो है इंट्रोगेटिव, है ना, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई पी, इंट्रोगेटिव है, यानी कि जिसमें क्या जो वर्ड है वो सबसे पहले आता है, बाकी के स्टार्टिंग पर ही क्या पहले आता है, जिसको दूसरी भाषा में कन्फर्मेशन भी बोलते हैं, कन्फर्मेशन बोलते हैं, यानी कोई चीज़ पता होती है फिर भी हम कन्फर्म करते हैं। इसमें फ्रेंड्स नॉट नहीं आता है, कभी कभार आ भी जाता है लेकिन बेसिकली बहुत कम आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, है ना, इसी के साथ में डज और ये किसके साथ डू। अब हम सीधा स्ट्रक्चर और उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। तो पहला क्या, किसी का नाम यूज़ कर लेते हैं, क्या रामू फुटबॉल, क्या रामू फुटबॉल खेलता है, सॉरी पहले चलो इसको बना लेते हैं, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बता देंगे। तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं पहले। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, यानी डू या डज में से कोई एक, डू या फिर डज में से कोई एक। ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स कि कहाँ डू लगनी क्यों और कहाँ डज, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, इन सब के साथ ई सी वगैरह हो तो इनके साथ डज, और यू वी दे आई यानी प्लूरल हो तो डू, सिंगुलर प्लूरल भी दिखा चुका हूँ मैं फ्रेंड्स, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ये डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड, और इसमें फ्रेंड्स ये याद रखना क्वेश्चन मार्क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पूरा सेंटेंस सही है और ये मार्क नहीं लगा तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डू डज, रामू देख लेंगे सब्जेक्ट पहले देखेंगे, उसके हिसाब से रामू एक नाम है तो पहले इसको लिख लिया, ठीक है रामू। अब रामू के साथ नाम के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, यहाँ देख रहा है तो यहाँ डज लगा दो, है ना, डज लग गया, डज रामू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खेलना की, प्ले लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल है, यहाँ फुटबॉल खेल रहा है, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल खेल रहा है,
बस आप लास्ट पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, नहीं अदर वर्ड नहीं है तो सीधा क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना, ठीक। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो गई इंट्रोगेटिव। अब मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव और बताता हूँ, और आई होप वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स हमारे डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। अब आप डब्ल्यू एच वर्ड नहीं जानते तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको फुल सेंटेंस बताया कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, और ये सिंगुलर प्लूरल भी बताया है और डब्ल्यू एच वर्ड भी लिखा है उसमें, तो आप उसको देख लेना मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा इसमें, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें क्या डब्ल्यू एच ऐड कर देना, यानी कब क्यों कहाँ कैसे ये वाले वर्ड आते हैं सबसे पहले इनकी अंग्रेजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में डू डज आएगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू डज या डू। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट फ्रेंड्स, यू डोंट मिस द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इफ यू यू डोंट यूज दिस योर होल सेंटेंस इज रॉन्ग। सो दिस इज द आवर एग्जाम्पल, वह रोज, वह रोज कहाँ जाता है। हेयर इज अ कहाँ वर्ड, दिस इज द डब्ल्यू एच वर्ड आवर सेंटेंसेस, ओके। तो वी विल यूज द कहाँ वर्ड इन अ फर्स्ट, कहाँ की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स वेयर, तो वेयर मीन्स कहाँ। इसके बाद अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज या डू सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले ही यूज कर लो, उसके बाद इसके हिसाब से देख लो, ही के साथ डज आता है, डज लगा दिया। वेयर डज ही जाना, यानी गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड है और या ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे यहाँ पर, रोज की डेली, वेयर डज ही गो डेली, और क्वेश्चन मार्क अभी बाकी है तो वो भी लगा देना। तो इस प्रकार से हमारे चारों फॉर्मूले यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के कंप्लीट होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।